কাপড় দুটা দুটা প্যাকেটে একটু তুলানো দরকার। কে আছে বাবা? দন্দন আর দুটা আছে। বাক্সি মিলতে আছে। ও মার ভিতরে কে আছে দেখো, গাড়ির ভিতরে কে আছে? মিমি মিমি আছে। কে আছে? ডুম আছে। এরকম করে না। लक्ष्मण दादा जो कर रहे हैं ना, अभी ज्ञान को भी वही करना है, उसको रंग करना है। ब्रश ले लिया है, जूता है, पेंट लगाया। सो गाइस, बाहर अभी टेंट लग रहा है, जो बर्थडे पार्टी है वो बाहर ही होने वाला है, क्योंकि बारिश का टाइम है, कब बारिश हो जाए पता नहीं, तो अच्छे से टेंट लगाना है। और पापा है पूरा सुपरविजन में लग गए हैं अभी वहाँ पे रुक के। हे गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज एंड एक्सप्लोर। ये वाला जो आज का ब्लॉग है, ये कियांस बर्थडे प्रिपरेशन पार्ट टू है। सुबह सुबह तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर ही दिया था, टेंट वगैरह लग रहा है बंगलो में। अभी हम तिनसुकिया आए हैं और अभी दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं, तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से आप लोग के साथ। तो थोड़ा बहुत जो शॉपिंग बाकी था वो हो गया है, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हम बीच में एक बार आए थे। सब बड़ा दूटा दूटा पैकेट जो एक तो तुला तो दरकार। तिनसुकिया विशाल से हमने किया था और बाकी शॉपिंग भी थोड़ा बहुत हो चुका है। अभी हम यहाँ पे आए हैं लंच करने अकबर दरबार। आज है 16th of September और यहाँ पे टेंट में कपड़ा लग रहा है येलो और व्हाइट कलर। पंकुल ने चूज किया है ये कलर लगाने के लिए। हमें एक्चुअली ओपन टेंट चाहिए था, पर कभी धूप हो रही है कभी बारिश, तो इसीलिए इस तरह से कवर कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक वेलकम स्टैंड बना रही हूँ, DIY कर रही हूँ। इसके लिए इस तरह के कुछ एनिमल के पिक्चर्स पंकुल ने ला दिया है प्रिंट आउट करके, उनको मैं अच्छी तरह से कट कर रही हूँ शेप्स एंड साइजेस में। इसमें हेन है और काऊ है और इस तरह का एक वुडन बोर्ड ऐसे फ्रेम बना दिया है पंकुल ने, उसमें मैं एक्रिलिक पेंट से येलो कलर से वेलकम टू कियांस फार्मलैंड लिख रही हूँ, क्योंकि कियान का जो बर्थडे थीम है इस बार का वो फार्मलैंड थीम है, फार्म हाउस थीम है, क्योंकि उसको फार्म एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही है। तो जो नीचे का जो ये रेड कलर है वो एक्चुअली ब्रिक कलर है जो मैंने करवा लिया है, और इस तरह से मैं येलो कलर से लिख रही हूँ ऊपर कियान का नेम एंड ऑल। और फिर जो फोटोज़ है, जो प्रिंट आउट्स है, उनको मैं नॉर्मल गम से यहाँ पे चिपका दूँगी। पापा बर्थडे शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए थे, वहाँ से स्वीट्स फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस लेके आए हैं। अभी वो कियान को लेके क्रेच जाएंगे, क्रेच के बच्चों में ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दो, हाँ, लो, दो, 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 द
दे दो दापेल दे दो भाई दो दो हाँ सबको सबको एक एक आपल दे दो हाँ दे दो मिठाई गिरा देगा हाँ मिठाई कमल दे देना दो सबको दे दो आपल और मैम को भी देना मैम को भी देना आओ सब आओ रे भाई आए 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 कमल आपल दो मिठाई दे दो हाथ में दो लो उसका बर्थडे है कल में हाँ हाँ दादा बोला था कल देव हाँ देव बस हो गया दे दो दादा बोला बस ठीक है टी तुर्षा किच्छु ना मैं कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बिजी पापा ही है सुबह मार्केट गए और फिर क्रेच गए और अभी जो रिटर्न गिफ्ट्स हमें देना है बच्चों को जो बर्थडे पार्टी पे आ रहे हैं उनके जो गिफ्ट्स है वो पैक कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के लंच करके पापा शुरू हो गए थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले रहे हैं बर्थडे का जो मेन कोर्स होगा उसको बनाने के लिए हमने एक भैया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कल वो आके बनाएंगे पर यहाँ पे घर में स्वीट्स बन गया है सरस्वती ने गुलाब जामुन बना लिया है और मम्मी यहाँ पे कस्टर्ड बना रही है ये फ्रूट कस्टर्ड होगा कस्टर्ड बना के फ्रिज में रख देंगे और फ्रूट्स कल मिक्स करेंगे रात हो गया है यहाँ पे टेंट का काम चल ही रहा है ऑलमोस्ट 8 o'clock हो रहे हैं वो लोग लेट स्टार्ट किया पर रात को लेट से करेंगे क्यान काली कार बर्थडे बाबार पोपोली सो गाइज अभी रात के 10:30 ऐसे बज रहे हैं हमारा डिनर हो गया है और कल के लिए जो एक दिन पहले का जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है कल अर्ली मॉर्निंग कियान के चाचा चाची दादा और पू सब लोग आ जाएंगे पहुंच जाएंगे आके और कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले हमारे पास एक छोटा सा क्यूटी सा बेबी आ गया था जिसको अभी 2 साल हो गए और 2 साल पहले मैं माँ बनी थी तो मेरे मदरहुड को भी 2 years कंप्लीट हो जाएंगे कल तो मेरे लिए बहुत ही एक मतलब एक्साइटमेंट से भरा हैप्पीनेस मिक्स्ड फीलिंग्स वाला एक
फीलिंग एक चल रहा है मेरे अंदर, तो आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, पार्टी बहुत अच्छे से हो जाए। तो कल का जो ब्लॉग है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो इस ब्लॉग के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है वो बर्थडे ब्लॉग ही आएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो वीडियोज़ है वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी हमें जल्दी जल्दी सो जाना है क्योंकि कल बहुत अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है और बहुत सारा काम है। सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। वो गाइस, आज का जो ये छोटा सा प्रिपरेशन ब्लॉग था, ये बर्थडे प्रिपरेशन ब्लॉग था, वो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।